यानी संविधान के जो हक एससी एसटी ओबीसी के लिए सुरक्षित है उसे ये लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है, क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को, इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरा अनुरोध है यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर वही आरोप लगाया कि आपका हक लेकर कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को देना चाहती है।